नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्टइंडीज़ और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप का 23वां मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। एक लो स्कोरिंग मुकाबले में एक हैरान कर देने वाला रोमांच देखने को मिला। आपको बता दें, इस मुकाबले में वेस्टइंडीज़ की टीम ने आखिरी गेंद पर मैच जीत कर T20 विश्व कप में अपनी उम्मीदों को बचा लिया है। आपको बता दें, ये मुकाबला आखिरी गेंद तक चला। आपको बता दें, वेस्टइंडीज़ ने इस मुकाबले में पहली बल्लेबाजी करने का न्योता पाया था और 7 विकेट के नुकसान पर टीम ने 142 रन बोर्ड पर लगाए थे। टीम के लिए रोस्टन चीज ने 46 गेंदों पर 39 रन, वहीं निचले क्रम में निकोलस पूरन ने 22 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली थी। पहली नज़र में स्कोर नाकाफी नजर आ रहा था और लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम ये लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 139 रन ही बना सकी और 3 रनों से वेस्टइंडीज़ ने ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश की शुरुआत एक बार फिर से खराब रही थी और 21 रन के स्कोर पर शाकिबुल हसन वापस पवेलियन लौट गए थे, लेकिन मध्य के ओवरों में लिटन दास ने 43 गेंदों पर 44 रन बनाकर बांग्लादेश को मैच में बनाए रखा था। कप्तान महमूदुल्लाह ने 24 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। आपको बता दें, आखिरी ओवर लेकर आंद्रे रसल आए थे और इस ओवर में टीम को जीत के लिए 13 रन बनाने थे, लेकिन महमूदुल्लाह टीम को बाहर नहीं ले जा सके। आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत थी और आंद्रे रसल ने एक शानदार यॉर्कर डालकर महमूदुल्लाह को चारों खाने चित कर दिया। महमूदुल्लाह 24 गेंदों पर 31 रन बनाकर नॉट आउट रहे, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। आपको बता दें, वेस्टइंडीज़ की तरफ से तमाम गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक एक विकेट हासिल किए। रवि अम्पल ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट लिया, वहीं जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। अगली ओवर फेंकने आए आंद्रे रसल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट निकाला था। आपको बता दें, इससे पहले वेस्टइंडीज़ की बल्लेबाजी भी बेहद औसत दर्जे की नजर आई थी। टीम ने 32 रन के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रहे रोस्टन चीज ने शानदार पारी खेलते हुए 46 गेंदों पर 39 रन बनाए। निचले क्रम में निकोलस पूरन ने उनका भरपूर साथ निभाया और 22 गेंदों पर 40 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के अपनी पारी में लगाए थे। वेस्टइंडीज ने इससे पहले खेले लगातार 2 मैच गंवाए थे और इस मैच में उन्हें हर हाल में जीत हासिल करनी थी। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ये लगातार 3री हार मिल चुकी है और लगभग उनका इस टूर्नामेंट से पत्ता साफ हो गया है। अब कुछ हद तक ये साफ हो गया है कि अब ये टॉप 2 में ग्रुप में जगह नहीं बना पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।